हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल भूषण शर्मा ब्लॉग्स। गाइज आज प्रशांत भाई गाड़ी ले कर आए हैं स्कॉर्पियो एन, और वो फ़ोन कर रहे हैं, चलो उसे देखने के लिए चलते हैं। और भी सारे भाई, क्या हाल है? बढ़िया भाई। भैया कितने ले ली लड़ा? प्रशांत भाई ने गाड़ी ली है भाई जी, ये गाड़ी लिया प्रशांत भाई ने, अभी अभी ये मनाली से होकर आई है। ए सी आगे से कुछ करिए, ये हमारे प्रशांत भाई की गाड़ी, अंदर से एक बार देख लो ऐसा इसका इंटीरियर है, फुल्ली ऑटोमेटिक सनरूफ के साथ, 2x2 का सनरूफ। हेलो भाई, गाड़ी कैसी लगी आपको? बढ़िया, आप चला के देखो, आप बताओ कैसी है। बेहतरीन भाई, रुपया मोटा खर्च करो, मोटा रुपया भाई। ऐसी स्कॉर्पियो एन टॉप मॉडल, स्कॉर्पियो एन फुल्ली ऑटोमेटिक 4x4, और इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। ये स्टार्ट बटन है, ये इसकी चाबी है, ये स्टीयरिंग है, ये इसका मीटर है, ये इसमें सामने स्क्रीन पर, ये फुल HD स्क्रीन, सनरूफ, 7-सीटर है, अभी ये धुल रही है गाड़ी, फुल्ली ऑटोमेटिक। भैया हो गई यार, तो क्या हो गई भाई, गाड़ी पे नंबर दे दिया, बात कर लेना कैसे क्या होगा भाई। इसमें अभी AC किया गया, ये रहा इसका AC का, थोड़ा कम ज्यादा करने के लिए आगे का इसका डैशबोर्ड ऐसा, अभी इसमें मैट वगैरह डालेंगे। अभी ये गाड़ी मनाली से होकर आई है, अभी सीधे आके सर्विस स्टेशन पर रुक गई। है भाई, वेटिंग चल रही है अभी गाड़ी में, स्कॉर्पियो में कुछ भी वेटिंग ना, कोई सा भी तुझे लेनी है कल दिवाओ तू। भाई देख टंकी देख कितनी है, ठीक है हाँ। अरे ये चलिए तुम्हारा 1600 1626 तो लगी भाई, क्या रुपए का 100 पूरा तेल इतने का डला था तक, इतने में एवरेज ही बढ़िया, मतलब एवरेज में भी सही है गाड़ी, एवरेज भी दे रही है 14-15 का आराम से ना होगा। हटो किधर आए, 1626 11 का एवरेज दे रही है, सही दे रही है, एवरेज भी सही दे रही है 11-12 का। भैया सर्विस नहीं करवाई, शिवांग भाई गाड़ी कैसी लग रही है तुम्हें? यूं बढ़िया लग रही है भाई, पूछा करवाती ये ना तुरंत लेंगे, तो सर्विस करवा लेते हैं भाई, इसमें अब करवाऊंगा ना। कितने पे ही? 500 पे होगा ना, 1000 पे होगा, हो जाएगी पहली, छोटी नहीं होगा बड़ी नहीं पता हो जाएगी तो। ये उस दिन हमारे सामने आए, मतलब सर ऊपर करना, आप गाड़ी का कवर कर रहे हो, आज गाड़ी चल रही है गाड़ी, हमारी है भाई, यार ठंड बहुत ज्यादा हो रही है ना, मैं ज्यादा लग रही ठंड, तो फिर काय को जला रहा है यार, तो फिर जला रहे मारे तोरे मारे जले यार, खेड़ी सी काय, ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, तुम भी सेक लो, हाथ आ जाओ, हाथ सेक लो ना, सेक लो, आ जाओ टप लो यहां में, ले बस तगड़ी आग लगी है, तगड़ी आग लगी, तगड़ी अच्छी है जी, तगड़ी की तो बात ना चली है, समझ नहीं बात। अरे टेम्परेचर कितना,
ये फूक रहे हैं पूरे, ये तो प्योर वाक है भाई, सिल्क का गाय को दूर कर आजा तेरे सिल्क का गाय से गाय को अगरा पीछे आओगे भाई भाई कैसे है थोड़ा गर्मी लगने लगी हां गर्मी लगने लगी मनाली में ऐसी आग मिल जाएगा वैन तो नहीं ऐसी ऐसी ना मिलती मनाली आपके लिए तो लगा दे कट्टा लकड़ी से हैं आधे कट्टा लकड़ी से लेके चला जगह होटल लिया हूँ लकड़ी गई हूँ तो बाबा ने खाली ठंडी वहाँ होटल में तो जाना हाँ जी बिल्कुल बहुत ठंड है ही ठंड वहाँ में ना ही नौ नौ कंबल गिर रखे है ऊपर आग की माई को भी घुमाता रहे भैया मुझे जहाज पर से ली ना बता दे मैं भी बर्फ पड़ने लगी हूँ अगर चैनल को बर्फ पड़ने लगी हूँ तो आगे है एक दो तुझे कुल्लू मनाली हाँ तो मनाली में ही तो कह रही हूँ मनाली में ठंड सही पड़ रही है और रास्ते बंद हो गए लेह के रास्ते बंद कर भैया आज हम इस स्कॉर्पियो में घूमेंगे मैं शिवान और बर्गर मिसाल और पिज्जा किसकी में है किसकी में अब टोनी भाई की में अच्छी है बाईपास करके मैंने ऐसे गई तो कैसे अब बताओ कैसे गई बोलो कैसे लाइक करो और अच्छी लगे होगा कैसी तो बोलो बोलो कैसे कहनी है बोलो भैया ऋतिक आई भी एडिट करनी है बोल बताओ कैसे करनी है बताओ बोलो ना बोल लो भैया गाइज अगर जो आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।